जय सेवालाल। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, साउथ मुंबई के, दक्षिण मुंबई के जिला देश, साउथ मुंबई के जितने भी लोग हैं, ये आज अपन को मौका बार बार मिल रहा है, ये खोना नहीं चाहिए। क्योंकि 2014 में मैं जब अपक्ष आमदार लड़ रहा था तो मुझे बहुत लोग कहने लगे, अरे तू आमदार क्यों लड़ रहा है, संतोष झोपड़पट्टी में रहता है, क्यों लड़ना, हमारा संविधान है, संविधान अपने बाप ने बनाया और अपने ये संविधान पर अगर अपन आमदार क्या खासदार क्या, अपन राष्ट्रपति लेवल पर भी लड़ने की ताकत है कि अपने देश के जो संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब के अपन वंश है। आज अपन नहीं लड़ेंगे तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि लड़ना क्या है और खड़े रहना क्या है। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते, हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कभी अपन। और आज ये मौका मिला वंचित बहुजन आघाड़ी के अपने सम्मानीय डॉक्टर अनिल कुमार साहब जो लड़ रहे, डॉक्टर फैसिलिटी रहने के बाद जो भी बॉम्बे हॉस्पिटल के आज के अपने लोगों को जो कुलाबा में से लेके वीटी तक और साउथ मुंबई में जितने भी गरीब लोग हैं अपने एक ऑपरेशन नहीं करा सकते, मामूली एक ऑपरेशन तो 5 लाख 10 लाख लेते हैं, आज इतना बड़ा डॉक्टर अपने साथ खड़े और अपने समाज के डॉक्टर है, अगर आज भी अपन को एक मौका छोड़ देंगे तो जिंदगी में अपन कुछ डॉक्टर बाबा साहब का जो नाम है अपन उसका नाम अब खराब करते जा रहे हैं। अपन को इच्छा है अपने सब लोगों के एकजुट होकर डॉक्टर अनिल कुमार साहब को जिताना है और अपने साउथ मुंबई के जितने भी वंचित के लोग हैं, हम भी वंचित हैं, हमके वंचित से पीड़ित है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 पकड़ जाति में हमारे बंजारा समाज को भी संविधान में लिया है, हम भी वंचित ही समाज के और आज ये मौका मिला है, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैं सबको हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, ये मौका छोड़ो मत। आने वाले समय में 29 तारीख को सुबह दिन निकलते ही 7 बजे से जो वोटिंग चालू होती है, शाम को 5 बजे जितने भी अपने बंजारा समाज से लेके वंचित समाज के लेके जितने MIM के अपने जितने भी कार्यकर्ता है, मेरी महिला बहनें को सबको हाथ जोड़ के विनती है, अब की बार डॉक्टर बाबा साहेब सरकार और अब की बार वंचित बहुजन आघाड़ी सरकार और अब की बार डॉक्टर उमेश डॉक्टर अनिल कुमार सरकार, बस वही मैं चाहता हूँ। जय सेवालाल, जय भवानी और जय भीम, जय भीम।